हाँ तो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों आ चुके हैं एक और न्यू सोलो कॉन्कर रैंक पुशिंग वाली वीडियो में। अब दोस्तों इंट्रो कैसा लगा आप लोगों को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। अब दोस्तों बात करें सबसे पहले तो आज के दिन पे कॉन्करर भाई कितने पॉइंट्स पे देखने के लिए मिल रहा है। अब कॉन्करर जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 5379 पॉइंट्स पे। तो दोस्तों मतलब आप लोगों को जो है कॉन्करर आज के दिन पे इससे कुछ भाई 20-22 प्लस कर लेना है, मतलब 79 से मतलब 100 पॉइंट ही प्लस करके चलो, मतलब 5400 पॉइंट पे आपको कॉन्करर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों आज के दिन। अब आप देख रहे हो दोस्तों मैं इवेंट पे उतर चुका हूँ और यहाँ पे उतरने के बाद में मेरे को भाई तीन चार, मतलब जितनी जगह थी तीन चार जगहों पे मैं यहाँ पे लूट लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे को यहाँ पे गन वगैरह नहीं मिलती। अब जब यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे गन मिलती है और नेट भी भाई इतना घटिया तरीके से जाता है ना दोस्तों, क्या ही बोलूँ। अब सामने की तरफ मेरे बंदे थे तो यहाँ पे मैं ज़्यादा मतलब फुटशॉट वगैरह देता हूँ नहीं, लेकिन पीछे की तरफ से अचानक से भाई बंदा आ जाता है। अब इसको तो फटाफट से एकदम फिनिश कर देते। अब सामने की तरफ वाला जो बंदा था अब उसकी बारी थी। अब इस भाई को फिनिश करने के बाद में मैं यहाँ पे सबसे पहले तो भाई इनकी क्रेट वगैरह लूट लेता हूँ। अब सामने की तरफ से आते हुए दिखते हैं मुझे अपने प्यारे बॉट भैया, और दोस्तों प्यारे बॉट भैया मिले तो अपने को केडी भी तो बढ़ानी है ना दोस्तों। अब यहाँ पे इस भाई को फिनिश करने के बाद में बाहर की साइड में जैसे निकलता हूँ मेरे को यहाँ पे बंदा स्पॉट हो जाता है। अब दोस्तों ये किल आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। जिस तरीके से निकल के भाई बंदे इनको फिनिश किया है ना तुम्हारे भाई ने, एकदम गजब तरीके से, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। और ये जो गेम प्ले था ना दोस्तों मेरी, मतलब अभी तक का जब से मैंने सीज़न स्टार्ट किया अब तक का मेरा बेस्ट ऑफ बेस्ट गेम प्ले था ये। अब तक मेरा ऐसा गेम प्ले, मतलब एक भी गेम प्ले ऐसा नहीं निकला था जैसा ये गेम प्ले गया दोस्तों अपना, क्योंकि भाई मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकल के इस गेम में भाई एंड तक सर्वाइव किया हूँ ना आप लोग समझ भी नहीं सकते। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई थी ना मेरे ऊपर कि भाई अब तो मुझे लगा कि मेरा गेम ओवर हो चुका, लेकिन भाई वहाँ वहाँ से लोकेशन से मैंने जिस तरीके का गेम निकाला है ना आप लोगों को देख के एकदम गजब लेवल का स्वाद आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो सीन हुआ ना, तो दोस्तों ये चीज़ देख के तो भाई RIP तमराज कर दो दोस्तों, क्योंकि इस बग्गी वाले बंदे को जो था मैंने यहाँ पे देखा था तो इसके बाद मैं पीछे पड़ चुका था, लेकिन जिस तरीके से बंदा मेरे को उतर के किल करने के लिए उतना वैसे ही भाई दूसरे बंदे ने तमराज भाई को यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब दोस्तों अगर नाम पढ़ने में मेरे से अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी तो ज़रूर से बताना भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब इतना भी भाई पढ़ा लिखा बंदा है नहीं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब जैसे कि यहाँ पे भाई जो ही सीन हुआ ये चीज़ देख के किस किस को मज़ा आया एक बार ज़रूर से बताना। अब जैसे मैं इस लोकेशन पे आता हूँ सबसे पहले तो अपने आप को हीलिंग मारता हूँ, और हीलिंग मारने के बाद मैं यहाँ पे सामने की साइड में एक बग्गी वाला बंदा आ जाता है। अब इस बंदे को तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ और भाई अपन भी यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। अब मैं जैसे हीलिंग मारता हूँ वो बंदा यहाँ पे पुश कर देता है मेरे ऊपर। अब दोस्तों मैंने तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेड चिपकाए थे बंदे को, लेकिन क्या पता भाई अपने साथ क्या ही ग्लिच हुआ, यहाँ पे अपनी ही पेटी बन जाती है दोस्तों। अब अपनी पेटी बनने के बाद मैं उतर जाता हूँ सीधा शेवरनी की साइड में, और यहाँ पर रहता है ड्रॉप, तो लेवल 3 के गियर्स तो मेरे को मिल जाते हैं इजीली। और ये गन भाई फार्मर्स गन भाई ड्रॉप में कभी से मिलने लग गई मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं। दोस्तों आप लोगों को अगर मिली हो और भाई इस गन का डैमेज वगैरह बड़ा है क्या मेरे को ज़रूर से बताना, क्योंकि मेरे को भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं है।
अब थोड़े ही टाइम बाद ये भाई यहाँ पे भाई लेके आ जाते हैं मॉन्स्टर ट्रक। अब इस भाई को तो यहाँ पे भाई फार्मर्स गन से अपन फिनिश कर देते, लेकिन जिस टाइप की गन की स्पीड है ना दोस्तों, ये चीज़ देख के तो मेरे को अच्छी लगी। यही चीज़ देख के मैंने ये गन एंड तक भाई लेके खेली है, और जिस तरीके से किल्स निकाले ना भाई ये गन से अपन ने, आप लोगों को भी अगर ये गन मिलेगी तो आप लोग भी यूज़ करोगे ये चीज़ देख के। अब दोस्तों देख रहे हो गन की स्पीड भाई खतरनाक तरीके से भाई फायर हो रही है। अब ये थे अपने प्यारे बॉड भैया, तो बॉड भैया को फिनिश करने के बाद मैं अपन निकल जाते हैं भाई सीधा शॉप की तरफ। अब शॉप की तरफ मैं आ जाता हूँ, और मेरे पास में यहाँ पे कॉइन्स भी ज़्यादा नहीं थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी मोटी लूट वगैरह करता हूँ आने के बाद में। अब जैसे मैं यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले तो पेन किलर लगाता हूँ, और जैसे पेन किलर लगाता हूँ दोस्तों मेरे को थोड़े ही टाइम बाद यहाँ से फुटशॉप आते भाई बंदे के। अब ये भाई पक्का अपने को दोस्तों गाली दे रहे होंगे कि भाई भाई बैठ के यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, लेकिन भाई आप लोगों ने जैसा कि देखा भाई अपन यहाँ पे शॉप के लिए आए थे, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कोई बंदा भी हो सकता है। अगर मुझे आइडिया होता कि भाई यहाँ पे बंदा है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि भाई अपने अच्छे खासे किल्स हो चुके थे और अपने को सर्वाइव करना था। अब दोस्तों 10 किल अपने यहाँ पे जाके हो चुके थे, अब अगर मैं अच्छा खासा सर्वाइव कर लेता हूँ तो दोस्तों आप लोगों को पता है भाई लॉबी इतनी खतरनाक थी कि भाई मेरे को पता था अगर मैं एंड तक यहाँ पे सर्वाइव कर लेता हूँ तो मेरे को भाई प्लस अच्छा खासा कहीं नहीं गया, 35 से 40 के बीच में ही प्लस मेरे को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं भाई जितना हो सके सर्वाइव के ऊपर ध्यान देता हूँ। अब जैसे कि मैं निकल जाता हूँ सीधा भाई जोन के सर्कल होल्ड करने के लिए, और ये मेरे को भाई डीप खाली मिल जाती है। अब यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले तो मेरे को लगता है भाई अगर सामने की साइड में रहूँगा तो कोई भी मेरे को मार देगा यहाँ से, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पीछे की साइड में आके अपनी कार लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे उतरने के बाद में दोस्तों आप देख ही सकते हैं थर्ड सर्कल का जोन बन चुका, मतलब फिनिश होने वाला है, और अभी तक मतलब 30 बंदे अलाइव है दोस्तों। अब जैसे ही मैं यहाँ पे भाई बंदे स्पॉट करने के लिए उतरता हूँ, उतने में ही मेरे को पीछे की साइड से गाड़ी का साउंड आता है, और एक गाड़ी वाला बंदा नीचे जो मेरे पीछे की साइड में डीप थी वहाँ पर आके अपनी गाड़ी रोक देता है। तो दोस्तों अब की बार देखना है यहाँ पे तुम्हारे भाई की कारागिरी। अब दोस्तों जिस तरीके का भाई नेट गया ना यहाँ पे, एकदम गजब तरीके का स्वाद ही आ गया। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ बता दूं कि भाई आप लोग वीडियो में तो देख रहे हो, तो भाई यहाँ पे आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मेंशन मत करना कि भाई कितनी बड़बड़ करता है, क्योंकि भाई तेरी बड़बड़ शांति नहीं हो रही, मुझे खुद को पता है भाई, लेकिन मेरे जो शब्द है दोस्तों वो रुक ही नहीं रहे। अब दोस्तों ये चीज़ जो है मेरे साथ में अभी थोड़े टाइम बाद होने वाली थी, तो ये चीज़ आप लोगों को कैसी लगी एक बार ज़रूर से बताना। अब दोस्तों यहाँ पे रहता है शेक में बंदा। अब जैसे मैं इस बंदे के इधर आता हूँ वैसे ही भाई ये बंदा अपने ऊपर पुश करने के लिए आ जाता है, और इस बंदे के पास में रहती है MG3 और अपने पास में थी दोस्तों फार्मर्स। तो यहाँ पे अपन भाई को इजीली फिनिश कर देते, क्योंकि भाई फार्मर्स मेरी उस बंदे के ऊपर कनेक्ट हो चुकी थी, अगर वो बंदा MG3 खोल देता मेरे ऊपर तो यहाँ पर शायद से मेरा गेम ओवर हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे करके अपन ने यहाँ पर इस भाई को तो फिनिश कर दिया। अब यहाँ से इस भाई की क्रिएट से अपन MG3 उठा लेते, और नेक्स्ट सर्कल भी थोड़े टाइम बाद यहाँ से शिफ्ट हो चुका था। अब अपने को यहाँ से रोटेशन देनी थी जोन में, और दूसरे बंदे ने भाई अपनी गाड़ी के टायर यहाँ पे फोड़ दिए थे, तो सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी के ऊपर स्मोक करके निकल लेता हूँ सर्कल की तरफ। अब यहाँ से खाली सर्वाइव देखो।
अब दोस्तों ये क्लच आप लोगों को कैसा लगा एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। जैसे कि भाई आप लोगों ने इंट्रो देखा, लेकिन इंट्रो में मैंने हाफ वीडियो डाली थी, लेकिन भाई जिस तरीके का यहाँ पे क्लच किया ना दोस्तों मैंने, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था दोस्तों कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से भाई अपन ने यहाँ पे फिनिश किया भाई को और यहाँ पे सर्वाइव कर लिया, तो दोस्तों ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताना। अब अगर दोस्तों मैं बीआरडीएम वाले बंदे को छोड़ के अगर भाई डासिया वाले बंदे के ऊपर स्प्रे लेता ना, तो यहाँ पे कंफर्म 101% में डासिया वाले बंदे को गिरा देता था कार से। लेकिन यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि ना भाई डासिया मतलब बीआरडीएम वाला जो बंदा था वो बंदा अपने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता, तो इसीलिए मैं उस बंदे की भाई बीआरडीएम के ऊपर यहाँ पर स्प्रे लेता हूँ। लेकिन भाई वो बंदा भी पीछे की साइड में चले जाता और डासिया वाला भी चले जाता। अब यहाँ से दोस्तों देखो अपने साथ में क्या सीन होने वाला है। अब दोस्तों अगर मैं भाई सीट चेंज करके दूसरी साइड से अगर इस बंदे के ऊपर फ्री फायर लेता तो शायद से इस बंदे को मैं यहाँ पे फिनिश भी कर सकता था, लेकिन भाई अपना गेम यहाँ पे ओवर हो जाता है और अपने को दोस्तों मिल जाता है इस गेम में 37 का प्लस। तो दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे चिकन निकाल लेता तो दोस्तों मेरे को कहीं नहीं गया, 40 के ऊपर का भी प्लस मिलता था, कम से कम मिनिमम नहीं तो भाई 45 तक का तो प्लस ईजिली मिल ही जाता था। लेकिन दोस्तों अपना गेम यहाँ पर ओवर हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया हो, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल की बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम मेरे प्यारे भाइयों।